161 जो है वो क्वेश्चन था, 162 और 163 बेटा, मैंने तीन क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। पहले इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन है बेटा, टू चार्जेस वन एट रेस्ट एंड अदर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच चार्ज विल एक्सपीरियंस लार्जेस्ट फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है, क्योंकि मूविंग चार्ज ही मैग्नेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी ऐसी चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी जो रेस्ट में, क्योंकि बेटा रेस्ट में चार्ज सिर्फ चार्ज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, और मैग्नेट कौन होगा, मैग्नेट होगा मूविंग चार्ज। तो बेटा कोई भी चार्ज अगर मूव कर रही है तो उसी के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, किसी भी ऐसी चीज चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी जो रेस्ट में होगी। और मूविंग चार्ज भी वो जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो, ऐसी मूविंग चार्ज के ऊपर भी फोर्स नहीं लगेगी जो पैरेलल या एंटी पैरेलल। मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी कि दो कंडीशन में किसी भी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, वो कौन सी कंडीशन है, एक ये कि कोई भी चार्ज रेस्ट में हो और दूसरी ये कि चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे। तो पहला ऑप्शन है द चार्ज दैट इज एट रेस्ट, इसके ऊपर तो फोर्स जीरो होगी बेटा, इसके ऊपर फोर्स जो होती है बेटा जीरो होगी। द चार्ज दैट इज मूविंग इफ इट्स वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी तो भी बेटा फोर्स जीरो होगी, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा बेटा, साइन पैरेलल जीरो होती है तो साइन जीरो फोर्स जीरो। द चार्ज दैट इज मूविंग इफ इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर थीटा 90 होगी, थीटा 90 होगी तो फोर्स क्या लगेगी मैक्सिमम। बोथ चार्जेस विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड्स, बेटा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि रेस्ट वाली चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो होगी। एन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, बेटा आइसोलेटेड मूविंग चार्ज को दोनों फील्ड्स होती है, क्योंकि वो चार्ज होती है इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस तरह से, ठीक है बेटा। और आपको पता है कि मूविंग चार्ज आइसोलेटेड की मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी तो ये एक दूसरे के साथ दोनों परपेंडिकुलर होंगी, बोथ फील्ड्स भी होंगी और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी होंगी। 163 है बेटा, एज शोन इन द फिगर अ करंट लूप इज ओरिजिनेटेड इन थ्री डिफरेंट पोजिशंस बेटा relative to a uniform magnetic field, the torque on the loop is maximum. बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है बेटा, टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला देखें तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाता है बेटा टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए एन कॉस अल्फा। अल्फा का मकसद होता है बेटा एंगल, किसके दरमियान बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अब प्लेन
क्योंकि बेटा सर्किल है और ये सर्किल और डॉट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउट लेते। अब बेटा एक चार्ज पार्टिकल का रास्ता ये है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल वन जो होता है बेटा यहां से इंटर होता है और इस तरह से निकल जाता है बेटा, और जो टू होता है बेटा ये यहां से निकल जाता है इस तरह से। अब आप इसके लिए लगाएंगे बेटा राइट एंड और लेफ्ट एंड। सपोज करें बेटा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से करते आउटवर्ड और वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो अगर इस तरफ ये जाता तो ये लेफ्ट हैंड रूल है तो नेगेटिव होता। देखिए बेटा अगर इस तरह से करते हैं, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड, फोर्स इस तरफ लगी, तो ये किस हैंड से आया, राइट हैंड से, तो इसका मकसद है ये चार्ज कौन सी है, ये चार्ज पॉजिटिव है। जबकि इसके अंदर देख ले बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स इस तरफ, इसका मकसद है ये चार्ज कौन सी है, नेगेटिव है। तो बेटा ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पार्टिकल वन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड पार्टिकल टू हैज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये आ रहा है राइट हैंड रूल पे, राइट हैंड पे आ रहा है, और ये किस पे आ रहा है, ये आ रहा है लेफ्ट हैंड पे। ठीक है बेटा। अब उसके बाद यूजिंग अ कंपास यू कैन शो दैट द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेटा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बेटा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है बेटा इस तरह से, और ये कोसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सर्किल्स होते हैं दैट हैव देयर सेंटर्स आर द ऑन द वायर बेटा, इन सब का सेंटर कहाँ पे होता है, इन सब का सेंटर इस वायर पे होता है बेटा। ठीक है, 166 है बेटा, ए सेज दैट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड वुड बी नो लार्जर देन द फील्ड कॉज्ड बाय अ सिंगल वाइंडिंग, बी सेज दैट इट इज जीरो, हुज स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिंपल सी बात है कि ए कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ सिंगल टर्न है, मींस वीक है, और बी कहता है कि जीरो है। ऐसा नहीं बेटा, मैंने आपको सोलेनोइड के अंदर बताया था कि सोलेनोइड जो होता है, जब हम सोलेनोइड बनाते हैं, ठीक है, जब हम इस तरह से बेटा सोलेनोइड बनाते हैं, सपोज करें ये सिलेंडर है और इसके ऊपर अगर हम सोलेनोइड फोल्ड करते हैं इस तरह से, अगर इस तरह से सोलेनोइड बेटा फोल्ड करते हैं, तो आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है अंदर स्ट्रांग होती है इस तरह से बेटा। मैं किसी और कलर से बनाता हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर होती है बेटा स्ट्रांग होती है, और बाहर क्या होती है बेटा वीक होती है। ठीक है, तो जीरो नहीं होती, तो इसका मकसद है कि बी की बात ही गलत है, कि बी कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये तो बात ही गलत है इसकी। अब ए की बात से, क्योंकि आई का सिंगल होता है मीन्स वीक होता है, अब इसमें ए बिकॉज ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ द लूप इन अ वाइंडिंग ऑफ द सोलेनोइड स्ट्रेंथ बेटा, यहाँ पे आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होता है सब लूप्स के अंदर, करंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, सब लूप्स के अंदर करंट का डायरेक्शन सेम होता है, सेम होगा तो ये सब एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बना के क्या कर देते, कंबाइंड फील्ड बना देते। ठीक है बेटा, अब 7 हो गए, कल डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस बेटा, तो इंशाल्लाह कल इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, पेपर को भी डिस्कस करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। ठीक है।